आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। अब दिल्ली दिल वालों की नहीं वारदातों की दिल्ली बन चुकी है। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ शिवानी मोरवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। इस वक्त मैं ओम विहार में मौजूद है, जहाँ कुछ दिन पहले ही एक लड़की का कत्ल कर दिया जाता है। जी हाँ, डॉली नाम की लड़की है, 24 साल उसकी उम्र थी, दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी, उसके बाद वो वापस नहीं आई और उसका कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है, उनके छोटे भाई लक्ष्य मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। लक्ष्य, क्या हुआ था, कैसे पता चला था डॉली के बारे में, और कुछ पहले भी ऐसी कुछ बातें चल रही थी? हमें पता तब चला था जब हम वहाँ गए थे, हम रात को 2 बजे, मतलब कि गेट नॉक होता है तो पुलिस वाले नॉक करते हैं, तो वहाँ गए थे तो तब जाके पता लगता है। बट अभी तक हमें कॉपी नहीं मिली है FIR की। नहीं, लक्ष्य, काफ़ी ये भी बताया जा रहा है कि डॉली का वो एक्स बॉयफ्रेंड था जिन्होंने उसको मारा है, कुछ ऐसा संबंध थे पहले? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत छाप रहे हैं। हालांकि मतलब कि ऐसा हो सकता है, जैसे कि पहले हम जब कंप्लेंट लिख रहे थे तो उस टाइम हमारी कंप्लेंट लिखी उन्होंने, तो अब मैंने उनको बताया कि मेरी हिंदी वीक है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो उन्होंने कंप्लेंट पढ़ के सुनाया, तो मैंने कहा हाँ ये कंप्लेंट ठीक है, उन्होंने मेरे से साइन लिए, वो नीचे चले गए। आपकी कंप्लेंट गलत लिखवाई गई? नहीं नहीं, कंप्लेंट उस टाइम ठीक थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो नीचे चले गए, उन्होंने पढ़ के सुनाया मेरे को कि ये स्टेटमेंट है तुम बता रहे हो, ये ठीक है? मैंने कहा हाँ जी ठीक है ये। अच्छा। वो कह रहे मैं जमा करा कर आ रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ। वो फिर ऊपर आए 5 मिनट बाद, फिर जीजू को बोला कि तुम 5 मिनट थोड़ा बाहर खड़े हो जाओ। हाँ। ये एक लाइन गलत हो गई है। अच्छा। और वहाँ पे एक पुलिस वाले और आए थे। गलत जब आपको बताई, जब गलत लाइन हो गई थी उसके बाद जब वो लिखी गई तो आपसे पढ़वाई गई या उन्होंने पढ़ के सुनाया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना उन्होंने पढ़ के सुनाया ना मेरे को, मेरे को तो पढ़नी आती नहीं, मैंने उनको पहले बता दिया। हाँ। तो उन्होंने सिर्फ साइन करा लिया मेरा नाम। हाँ, मेरा नाम लिखवाया था लक्ष्य। किसी को पढ़वाया था? नहीं, किसी को मेरे जीजू थे साथ, इनको बाहर भेज दिया था। हाँ जी, मिली भगत लग रही है। लग रही थी। तो जो आरोपी बताए जा रहे हैं चार, उसमें से जो दो थे उनको डॉली राखी बांधती थी बताया जा रहा है, और एक अननोन था, क्या नाम था पूरा बताइए? मनीष और हिमांशु वो नोन थे, और अंकित गाबा जिनने मर्डर करा है जो मेन है वो मनीष, उनके अंडर काम करता था। अच्छा। तो वो उनके पास गई थी, मनीष और हिमांशु थे वहाँ पे, तो अंकित का अननोन है उसके लिए। हाँ जी, तो ऐसा कोई संबंध नहीं था डॉली के संग जैसे बताया जा रहा है। हाँ हाँ, तो उन्होंने सिर्फ मेरा उस वाली जो FIR है ना, उन्होंने पहले मेरा साइन लिया, नीचे नाम लिखवाया, बीच में मेरा नंबर लिखा। हो सकता है, क्योंकि उस टाइम तो मेरे को ऐसे दिखा रहे हैं कि बस एक लाइन गलत है, ये वाली कंप्लेंट फिर से लिखनी पड़ेगी। अच्छा। मेरे को, मैं तो समझ नहीं पाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मामला है। पहले कंप्लेंट लिखवाई गई थी, जब कंप्लेंट चेक करवाने का टाइम आता है तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है और लाइनें चेंज कर दी जाती है, ये कहना है उनके छोटे भाई का। मेरे साथ उनके जीजू राहुल भी मौजूद है डॉली के। राहुल जी, जब आप गए थे कंप्लेंट लिखवाने इनके साथ, आपको नीचे भेज दिया गया था, कुछ अंदाजा था कि इस तरह से कंप्लेंट का रूप बदल दिया? नहीं, ऐसा कोई अंदाजा नहीं था हमें, क्योंकि जो स्टेटमेंट मेरे आगे दी थी वो बिल्कुल सही थी। अब मेरे पीछे से क्या स्टेटमेंट ली है, क्या हुआ है, वो मुझे नहीं पता। बट ये जो एक्स बॉयफ्रेंड वाला जो मामला सामने हमारे आया है, वो भी न्यूज़ चैनल के थ्रू आया है, वो हमें नहीं पता कि वो कैसे है। अच्छा। बसली, क्योंकि एक्स बॉयफ्रेंड वो नहीं था, वो नॉन भी नहीं था, सिर्फ हमारी गली में वो लड़का रहता था। तो अब उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कंप्लेंट आई कहां से? जो FIR उन्होंने दी है आगे, जो स्टेटमेंट पुलिस वालों ने दी है, DCP साहब ने दी है, वो हमें नहीं पता किस बेसिस पे उन्होंने न्यूज़ चैनल को दी है। ये भी बताया जा रहा है कि डॉली खुद गई थी हॉस्पिटल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें स्पोर्ट से मिली है, वो हमें स्पोर्ट से मिली है। जो पुलिस वाले हैं उन्होंने फ़ोटो भी खींची है उसकी, हमने भी फ़ोटो खींची है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ पे स्पोर्ट पे वो मौजूद थी, जहाँ पे मर्डर हुआ है वहीं से वो आई है, वहीं पे वो मिली है। अभी ना ही आपको FIR की कॉपी दी गई है और ना ही अभी तक आपको पोस्टमार्टम दिया गया है? नहीं, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, वो इस कंडीशन में हमें मिली थी वहाँ पे, इस कंडीशन में ही। वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सके, वो जो हॉस्पिटल का नाम आ रहा है, हॉस्पिटल वो कैसे जाएगी इस कंडीशन के अंदर? जब पुलिस वाले जब आए हैं उन्होंने स्पॉट पे ही बोला है कि ये डेड है। अच्छा। तो कहने के ये जो
झूठी खबर, ये झूठी खबर फैलाई जा रही है, मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, झूठी खबर फैलाई जा रही है। इसके लिए पुलिस से आप बात कर रहे होंगे मामले के बारे में, तो अभी तक कितने आरोपी पकड़े गए हैं, किन किन के नाम पे? अभी हमें जहाँ तक आ रहा है कि अमित गाबा को बोल रही है पुलिस की पकड़ लिया है, और एक दोस्त को और पकड़ लिया है, अंकित गाबा को, जी अंकित गाबा को पुलिस ने पकड़ लिया है। बाकी हमें अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट फोन पे उन्होंने हमें बोला है कि हमने उनको अरेस्ट कर लिया है, दो से तीन जनों को अरेस्ट किया है, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है हमें। कि किस तरह से मामले को बदला गया है, इनका कहना है कि जो खबरें चल रही है एक्स बॉयफ्रेंड की, बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ संबंध नहीं था डॉली के संग, और जो दो आरोपी थे जो अलग थे वो घर में थे, एक तरह से घर के हिस्सा थे, डॉली उनको राखी बांधती थी, पर इस तरह का अंदाज़ा भी नहीं था कि इस तरह का कोई कदम उठ जाएगा। उनके संग मेरे संग उनकी माता भी मौजूद है, जब डॉली घर से गई तो ऐसा कुछ लग रहा था कि कभी परेशान है किसी बात? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था, बर्थडे का बोल के गई थी, खुश थी मेरी बच्ची। अब इन लोगों ने क्या चीटिंग करी है, क्या धोखा दिया है पता नहीं, ये मुझे नहीं पता था कैसे गई उनके पास। भाई थे वो बचपन से गली में ही रहते थे वो, ये चारों तीन तो है, अंकित अपना अंकित को नहीं जानती, मनीष, युवराज और हिमांशु, इन ये तीनों भाई हैं, और अंकित जो है ये उसके साथ करते हैं, ये गुंडागर्दी में रहते हैं, तो इसीलिए ये ऐसा काम करते हैं। तो डेड बॉडी कहाँ मिली थी डॉली? वहीं गली में पड़ी हुई थी, पुलिस वालों ने हमारे को बिल्कुल भी ना देखने दिया ना कुछ, ब्लड वहीं डेड थी वो कब से थी, और हमारे पास लेट खबर आई हमारे को, वो देखने भी नहीं दे रहे थे, ख़त्म था मेरा बच्चा, बिल्कुल ख़त्म था वो, और उन्होंने फिर ना हमें देखने दिया कुछ भी, और हॉस्पिटल ले जाकर सामान भी खुद मंगाया, और पता नहीं पुलिस वालों ने उल्टा केस डाल दिया, दबा दिया, मतलब बिल्कुल। राहुल जी कहीं ना कहीं जो उनके भाई लक्ष्य है उनका भी नाम आ रहा है कि इनकी मिली भगत है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब गली में मेरा बच्चा सोया था, अब गली में रहते थे, एक ही गली में तो नॉन थे वो, एक दूसरे के नंबर भी होंगे पास में, अब गली में एक बच्चा रहता है, सबके फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मिली भगत या ऐसा कुछ, वो जो आ रही है वो अफवाह है, फालतू की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ अफवाह ही चल रही है। हमारे घर की बच्ची गई है, और हमें ऊपर से अगर ये चीज़ बोली जाएगी कि आप शामिल हो उसके अंदर, तो वो सरासर गलत है। और राहुल जी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, अभी तक पुलिस, दो दिन हो चुके हैं डॉली का गए, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है इस केस में? कार्रवाई इसमें यही है, वो कह रहे हैं कि दो से तीन जने जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, अभी तक तो हमें ये भी नहीं, इसलिए भी ये बुलाया नहीं है कि आप पहचान के लिए आ जाओ कि ये लड़के हमने पकड़े हैं, यही हैं या कुछ ऐसा कुछ, हाँ। और सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिली है, और मीडिया वालों के पास कहाँ से पहुँच गई हमें नहीं पता, हमें अभी तक नहीं दी गई है, कोई फुटेज हमारे पास नहीं आई है कि जो सीसीटीवी फुटेज मीडिया में चल रही है वो उनके पास पहुँच गई है, हमारे पास नहीं पहुँची अभी तक, अभी तक कोई फुटेज नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी नहीं है हमारे पास, नहीं है हमारे पास। दो दिन हो चुका है डॉली को गए हुए, और इन सभी का जो पीड़ित परिवार है उनका यही कहना है कि पोस्टमार्टम की कॉपी दी गई है, और ना ही जो वीडियो है जिसमें वो मारते हुए डॉली को दिख रहे हैं ना ही वो दी गई है। हालांकि जो लड़के थे मारने वाले, जो हथियारे थे, आरोपी थे, वो इसी गली में रहते थे, पर अंदाजा नहीं था कि परिवार वालों की पड़ोसी ही ऐसा कुछ कर जाएगा। अब देखते हैं कि डॉली को कब इंसाफ मिलता है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलता है। कैमरामैन सौरभ जोशी के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।